आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे जैसे अभी मैं व्यस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज आप लोग तो देख करके समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ आज ब्लॉग में। तो मेरा आज का ब्लॉग है फ्रेंड्स फ्रिज क्लीनिंग का। तो आज देखिए, मैं फ्रिज की सफाई कर रही थी तो हमें आपकी याद आ गई, तो मैं आ गई तो ब्लॉग भी लेकर के आ गई। तो फ्रेंड्स ये देखिए, फ्रिज बहुत गंदा हो रखा था तो मैं सारा निकाल करके फ्रिज को साफ कर रही हूँ। इतना गंदा, मतलब गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है फ्रिज की, क्योंकि ये लोग इतना कर देते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, एकदम कभी भी इसको साफ रहने ही नहीं देते। प्रिसु ने तो फ्रिज में दही गिरा दिया था थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा वो खोल करती रहती है, बंद करती रहती। बच्ची है तो क्या करूँ, अब तो छोटी है तो उसको समझा तो नहीं सकते। अब धीरे धीरे खुद समझदार होगी तो ये सब नहीं करेगी, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन ये सब हरकतें करेगा। तो मैं देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रिज के पहले सारा सामान वगैरह सब कुछ निकाल ली। फ्रिज देखिए कितना सच में गंदा हो रखा है, और एक एक करके सब निकाल, फिर इसका स्टैंड वगैरह सारा निकाल करके मैं सिंक में रख रही हूँ। सिंक में तो नहीं धोऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि सिंक छोटा है, पड़ता है, और शीशा वगैरह टूटने का भी डर लगता है। तो मैं बाल्टी में निरमा पाउडर और नींबू डाल करके लेकर के आई हूँ। थोड़ा सा स्मेल इससे ख़त्म होगा फ्रिज का, जो भी महक रहा है ना, मट्ठा मट्ठा एकदम गिरा है दही तो पूरा महक रहा है। जब जब खोल रही हूँ तब तब स्मेल कर रहा है इतना, और इतना गंदा लग रहा था। मैं सोच रही थी कब साफ़ करूँ, कब मुझे टाइम मिले मैं साफ़ करूँ फ्रिज। तो देखिए फाइनली आज टाइम मिला। हमारे हस्बैंड सुबह सुबह 6:45 के लगभग चले गए हैं, उनको जाना था, उनका इलेक्शन ड्यूटी इन्हें आ गया है, तो इसी के वजह से उनको जल्दी निकलना था, वहाँ पहुँच जाना था 7 बजे तक। तो जल्दी जल्दी 1 घंटा जाने में भी उनको लगता है तो निकल गए। तो मैं बस मुझे क्या करना था, एक आदमी का कितना खाना, ऐसे भी कोई नहीं रहता है तो खाना भी बनाने का मन नहीं करता। तो मैंने बस एक दाल चावल और सब्जी बस यहीं बना करके रख दी हूँ खुद के लिए, और प्रिसु अगर दाल चावल खाएगी तो खा लेगी, नहीं तो अभी प्रिसु को मैंने कॉर्नफ्लेक्स दूध खिला दी हूँ, और एक गिलास दूध पिला करके और उसको सुला दी हूँ। अगर नहीं सुलाऊंगी फ्रेंड्स तो फिर वो काम नहीं करने देंगी, एक चीज़ मेरा लेकर के इधर से उधर, उधर से इधर ये भागेंगी। अब मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी, तो नहीं कर पाऊँगी तो फ्रेंड्स फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, तो इसीलिए जल्दी। तो अगर ये हो चुकी है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रिज भी खिसक चुका है, क्योंकि फ्रिज का मैं बताई ना कि रोज़ पानी निकाल रही है, रोज़ उसे धक्का देती है, तो वो स्टेन से इधर उधर हो गया है। तो मुझे ही खिसका के उसे जगह पर करना होगा, नहीं तो बहुत इधर उधर मतलब डर लग रहा है, गिरने उड़ने का डर। देखिए ऐसे हिल रहा है फ्रिज, तो मुझसे उठ नहीं रहा है, भारी है ना फ्रेंड्स। तो किसी तरह से करके मैं स्टेन को खिसका के किसी तरह से उठा करके की हूँ अभी उसको से जगह पे। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। अब अंदर तो फ्रेंड्स साफ कर ली साइड पूरा, उसी तरह से देखिए ना, मतलब देखने में तो जरूर ये है सीमेंटिया कलर का फ्रेंड्स, लेकिन दूर से या देखते हैं ना तो एकदम इतना गंदा धब्बा धब्बा टाइप का दिखता है। जितना हाथ मतलब पड़ता है इस पर उतना मतलब दाग हो जाता है, एकदम अच्छा नहीं दिखता, बहुत गंदा दिखने लगता है। तो देखिए मैं फाइनली फटाफट से इसे कर करके, और देखिए एक एक करके कैसे पूरा पोंछती हूँ। तो हो गया हमारा फ्रिज फाइनली साफ,
अब सिर्फ थोड़ा सा कोलीन मार करके मैं सारा करके थोड़ा सा साफ कर दूंगी सूखे कपड़े से इसे एक बार अभी गीले कपड़े से पोंछ चुकी हूँ, एक बार अभी से थोड़ा सा सूखे कपड़े से पूरा करके पोंछ दूंगी क्योंकि पानी वगैरह सब जो भी है सब सूख जाए। तो देखिए हमारा फ्रिज एकदम फाइनली चमकने लगेगा फ्रेंड्स, तो आप लोग देखना और बताना कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। बाहर अंदर दोनों साइड कोलीन मार करके देखिए मैं साफ कर दी और देखिए हमारा फ्रिज चमकने लगा फ्रेंड्स, अब अच्छा लगने लगा, स्मेल वगैरह सारे चले गए इसमें के, अब गंदा स्मेल नहीं कर रहा है, अब थोड़ा मुझे सुकून मिला साफ करके। तो अगर हमारा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहे फ्रेंड्स। अब मिलेंगे आप सभी से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इसे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए भर भर के, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स एक एक ब्लॉग बनाने में और अकेले सब कुछ करना होता है और सब कुछ इतना मतलब एक लेडीज़ के साथ कितना परेशानी होते हुए वो किस तरह से काम करती हैं वो तो आप लोग समझ सकते होंगे। तो मिलूंगे फ्रेंड्स अब आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक प्यार दीजिए सपोर्ट दीजिए, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर फ्रेंड्स।